हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाईफ स्टडी स्टूडियोज चैनल पे पर पार्ट ऑफ एन अकेदमी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन की सुबह तक की कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है सबसे पहली चीज और सबसे पहला काम कि क्लास को शुरू करने के टाइम पर क्या करना होता है अपनी नोटबुक यानी कि अपने पेन कॉपी सारी चीज़ें लेके बैठने की होती है ठीक है क्लास के अंदर एक बार से क्लास लाइव हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी कर देना या तो बताओ मैं ही चेक कर लेती हूँ यार तो मुझसे जब तक हम पूछते हैं ना तब तक यहाँ पे कांड हो जाता है हाँ जी लाइव ना सो एक बार से यहाँ पे क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड uh, सबसे पहली चीज अपने क्लास के नोट्स को अपने क्लास के साथ ही साथ में बनाते हुए चला करो ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके ठीक है जितना टाइम आप इधर उधर की चीजों को सोचने में निकाल देते हो उतने देर में तो पता नहीं कितने नोट्स बना लोगे राइट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चलिए अच्छा आगाज करते हैं शुरुआत करते हैं तारीख है आज ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं तो वर्ल्ड टूरिज्म डे से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है चलो अच्छा सबसे पहले फटाफट से एक बार से क्लास के लिंक को शेयर मारो जहां जहां पर शेयर कर सकते हो ठीक है वी के एंथोनियो बियाडो ओके मास्टर अनुष्का गिरीश आ, रिंकी दीपक अर्पित हयात ओम इतिश्री वेरी गुड मॉर्निंग या शुभित गुड मॉर्निंग टू ऑल तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इस पूरे के पूरे सेशन का पूरा सिनारियो क्या रहता है ठीक है तो सबसे पहले न्यूज पेपर एनालिसिस होगी उसके साथ में जहां पर भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है या फिर अभी कुछ टाइम पहले थी उसको रिवाइज करेंगे और फिर आखिरी में चल के जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वहां पे यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा ठीक है तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िएगा संजना राजन आशीष पंजाब ओके पहले तो ये बताओ कल पेपर करने में कितना मजा आया मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कल पेपर करने में और कौन सा वाला था ओडिशा हाँ और एक कोई एयरफोर्स का पेपर भी था जहां तक मेरे को याद आ रहा है जो मेरे पास मैसेज आया था हाँ भाई क्या कहते हैं कितने लोगों को ये पेपर करने में मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया एक बार से जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसके अलावा देखो आप लोगों के जो यहाँ पर स्पेशल क्लासेज हैं स्पेशल क्लास में आज सुबह का जो क्लास हुआ है वो आर्टिकल्स का है एक बार से देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद में अगला आपका जो आज साढ़े दस बजे का क्लास रहेगा वो गवर्नर टॉपिक के ऊपर होने वाला है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको पता है कि चैप्टर तो आएगा ही आएगा ठीक है तो पहले इसकी थ्योरी देखेंगे उसके बाद में जो अभी नए अपॉइंटमेंट हुए उनको हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद में दोपहर में दो बजे जो आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है सात दिन सात दिन बचे हैं ना किसके लिए एम के लिए तो सात दिनों में आपके जो लास्ट वो कहते हैं ना बिल्कुल आखिरी वाले मोमेंट पे जाके जो हमारा रिवीजन होता है वो आपका रहेगा दोपहर में दो बजे तो दोनों क्लासेस को मिस मत करना दोनों क्लासेस रहेंगे ऑन अनेख्याल ठीक है ब्रूसली हिंदी भैया माफ कर दो ओके okay. विशाल राहुल वेरी गुड मॉर्निंग रिया गुड मॉर्निंग हर, हरीश एकता यश दिव्या अर्पित वेरी गुड मॉर्निंग शुभम आलोक एंग्री सी आर गौरी राजवंशी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल मिस्टू गुड मॉर्निंग चलिए अच्छा तो यहां से करेंगे क्लास की शुरुआत और के क्लास का समय जो है वो शाम को साढ़े चार बजे रहता है उसे मिस मत किया करो ठीक है क्योंकि कल जब हरियाणा वाला पेपर आया ना तो बड़ी याद आई इस मैपिंग वाले क्लास की तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए कि आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाए राइट त्रिनाथ खुशबू गुड मॉर्निंग गाइज नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड ऑफ द डे आपका क्या है ज़्यादा नहीं ज्यादा बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है अभी थोड़ी देर पहले कमेंट बॉक्स में कोई पूछ रहा था केडी से कि तुम्हें कैसे जीके और जीएस याद हो जाती है तो उसका जवाब यहाँ पे है आपके सामने कि किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपको याद हो जाती है हम लोग क्या करते हैं हम लोग लूसेंट भी पढ़ते हैं हम लोग किरण पब्लिकेशन भी पढ़ेंगे घटना चक्र भी पढ़ेंगे बस नहीं चलता वरना एक दो किताबें खुद से लिख भी दें इतनी सारी किताबें हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन किताबों के अंदर लिखा तो वही है अगर हम एक ही किताब को बहुत अच्छे तरीके से दिल से पढ़ लेंगे तो शायद वो चीजें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी तो दैट इज अ पॉइंट कि आप कुछ भी पढ़ो कितना भी पढ़ो लेकिन जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे जब तक आप उसे बार बार रिकॉल नहीं करोगे आपको वो चीज़ कभी भी याद नहीं होगी ठीक है चलिए मोबाइल जया नटराज राकेश तुलसी शुभदीत श्रेयश चिन्मय अर्चना तुलसी वेरी गुड मॉर्निंग चलो अच्छा जया अमर गुड मॉर्निंग हाँ जी ये कुछ मैसेजेस थे कल हिमाचल प्रदेश का भी पेपर था उसके अलावा यहाँ पे हरियाणा का पेपर था वेस्ट बंगाल का पेपर था एंड एक और वो पेपर था एयर फोर्स वाला मुझे याद नहीं आ रहा भाई साहब सारे के सारे सवाल पढ़ाए हुए आए थे एज इट इज छबके आए थे अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हो इसीलिए कहते हैं तुम लोगों से कि क्लास को बहुत ही शिद्दत से अटेंड किया करो चाहे तुम कहीं पर किसी का भी क्लास क्यों ना देख लिया करो बट टाइम निकाल के एक घंटे का समय निकाल के क्लास देख जरूर लिया करें ठीक है चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ ट इज क्रिप्टो करेंसी अच्छा मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताओ कि क्रिप्टो करेंसी जो है क्या वो हमारे देश के अंदर लीगल है या फिर इ लीगल है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करो क्या हुआ है अब पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा देश आया है सामने जिसने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी टाइप की क्यों ना हो हमारे यहाँ पे वो क्या होगी इलीगल होगी तो आइए जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं ये कौन है सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री बनी है जिसने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे इलीगल घोषित कर दिए गए हैं तो ऐसा करने वाला यहाँ पे कौन सा कंट्री हो जाएगा दिस इज वन एंड द ओनली चाइना ने ऐसा किया है किसने किया है चाइना ने ऐसा किया है तो आइए जरा बात करते हैं देखो सबसे पहला पॉइंट जब हम इंडिया की बात करेंगे ना इंडिया के अंदर अभी ये क्या है इलीगल है फाइन लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने बोल दिया है कि बहुत ही जल्दी आरबीआई जो है वो अपनी डिजिटल करेंसी के साथ में आएगा और जब ये अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर आएगा तो यहाँ पे ये यह ध्यान रखिएगा ये भी क्या होगा लीगल हो जाएगा ठीक है दूसरा पॉइंट जापान जापान के के अंदर अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है आई मीन टू से अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लीगल या फिर इलीगल जैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन चाइना जो है इन्होंने तो बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है ना तो आइए पहले जानते हैं कि इन्होंने कहा क्या और फिर जानेंगे क्रिप्टो करेंसी होती क्या देखो चाइना जो है आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले इन्होंने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी थी और ये जो डिजिटल करेंसी थी इसका नाम क्या था युआन डिजिटल या फिर डिजिटल युआन के नाम से इसको लॉन्च किया गया लेकिन उससे पहले क्या हुआ कोरोना वायरस यहाँ पे आ गया था तो अब चाइना ये कह रहा है कि कोरोना काल के समय पर हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और वहां से खूब सारा काला धन कमा लिया क्या किया है वहां से खूब सारा ब्लैक मनी जो है वो कमा लिया है अब ब्लैक मनी जो कमाया है ब्लैक मनी जो कमाया गया है उसको वाइट मनी में तो कन्वर्ट किया जाएगा तो चाइना ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया कायदे से सुनना कह भी कौन रहा है चाइना कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया गया है क्रिप्टो करेंसी से तो इस क्रिप्टो करेंसी को हम क्या कर देंगे बैन कर देंगे जिससे क्या होगा जितना भी ब्लैक मनी है जितना भी ब्लैक मनी है ये क्या हो जाएगा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और हमें पता चल सकेगा कि हमारे देश के अंदर कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हो रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना जैसे कि मान लो हमारे क्लास के अंदर अर्पित शर्मा है ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने खूब सारा काला धन कमा लिया अभी सोच रहे हैं कि भाई इस काले धन का हम करेंगे क्या आई मीन टू से अब हम इसको कैसे दिखाएंगे कि ये तो लीगल मनी है तो ये क्या करेंगे एजुकेशन के सेक्टर में जाके इन्वेस्ट कर देंगे किसी कोचिंग को डोनेशन दे देंगे कोई कोचिंग खोल के खड़ी कर देंगे ये क्या हो जाएगा ये व्हाइट मनी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अभी चाइना कह रहा है कि हमें अपनी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है जिसके चलते हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे अब आप कहेंगे मैम क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया देखो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना ये एक तरीके का बाइनरी डेटा होता है बाइनरी डेटा का मतलब होता है कि ये कॉइंस के फॉर्म में होता है जो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है लेकिन आप इसको छू नहीं सकते आप इसको निकाल नहीं सकते जैसे कि बैंकों में से आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो एटीएम में से आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो बट यहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते ये कैसा होगा ये कॉइंस के फॉर्म में होता है तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो बिट है ये क्या है तो आप आंसर करेंगे दिस इज अ क्रिप्टो करेंसी तो ये ध्यान रखना अच्छा अब चाइना जो है मतलब चाइना का चिरकुट पंथी तो देखो चाइना की चिरकुट पंथी यहाँ पर यह है कि 2019 में ही ये बोल चुके थे कि हमारे यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल है उसके बाद में फिर से चिल्लम चिल्ली काटे हुए हैं कि हम इसको पूरी तरीके से बैन करेंगे भैया जब तुम्हारे यहाँ पे पहले से ही बैन है तो अब कौन सी नई चीज बैन करने जा रहे हो तो इनका तो भगवानी मालिक है ठीक है यहां से पॉइंट क्या क्या छपेगा सबसे पहले कंट्री का नाम दूसरा इनकी डिजिटल करेंसी तीसरा बाइनरी डेटा होता है और चौथा ध्यान रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग सवाल <coughs> पूरी कंट्री के अंदर है ना पूरी कंट्री के अंदर इसको बैन कर देंगे फाइन लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए काम करती है कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आओ चलें चाइना के पास में थोड़ी बात कर लें इनके बारे में है बिना बात किए चले जाओगे सबसे पहला पॉइंट इसकी कैपिटल क्या है बीजिंग हो जाएगी ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने हांगकांग के ऊपर कब्जा कब किया था भैया ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है है ना तो ये ध्यान रखिएगा कि हांगकांग के ऊपर इन्होंने कब्जा किया था 1997 में अगला पॉइंट इनका जो नेशनल डे है ना वो कब सेलिब्रेट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर नाइनटीन में इनका नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है अगर आपसे कहा जाए कि इनका नेशनल स्पोर्ट्स क्या है तो नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा टेबल टेनिस आंसर आया क्या स्विस बैंक है स्विस बैंक बता रहे हैं ना एफ इतने होशियार हो गए हो तुम लोग आजकल कहां से आगे लड़ाई कर रहे हो वाह वेरी गुड चलिए अच्छा तो इनका नेशनल स्पोर्ट क्या हो जाएगा टेबल टेनिस और पूरी दुनिया के अंदर एफ एफ है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके दो काम होते हैं पहला काम होता है कि आतंकवाद के लिए जो फंडिंग दी जा रही है उसको कंट्रोल करेगा और इसका दूसरा काम होता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम इनके द्वारा किया जाता है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा आइए जरा चलते हैं कुछ सवालों की तरफ जो कि बिटकॉइन और चाइना के साथ में जुड़े हुए हैं सवाल जोरोंग नाम का हाल ही में मार्स के के ऊपर चाइना द्वारा एक रोवर भेजा गया था आपसे कहा जा रहा है कि ये चाइना का कौन से नंबर का रोवर है तो सबसे पहले पॉइंट कि ये जो मिशन गया था इस मिशन का नाम क्या था तियान व्यान वन इस मिशन का नाम था ये मार्स के ऊपर गया था कब भेजा गया था जुलाई 2020 में इसको भेजा गया था ये ध्यान रखिएगा कि ये इनके रोबर का नाम है लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है नासा के बारे में तो नासा के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इनका एक हेलीकॉप्टर था जिसका नाम क्या था इन और अगर कहा जाए कि नासा का वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था जो यहां पे भेजा गया था उसका नाम क्या था पर्जी क्या नाम था पर्जी दोनों में से कोई भी सवाल आपके पेपर में छपेगा ठीक है अगला सवाल सतोशी ना कुछ याद आया इनका अभी हाल ही में जो एक स्टैचू था उसको कहाँ पर अनवील किया गया है क्योंकि यही माने जाते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी के या फिर बिटकॉइन के जनक ये जो फादर हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जापान से बिलोंग करते हैं लेकिन इनका जो स्टैचू है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा हंगरी के अंदर मिलेगा राधे राधे ओके भाई जो अब आते जा रहे हैं गुड मॉर्निंग करने प्लीज़ प्लीज, प्लीज. थर्ड चाइल्ड पॉलिसी बस यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया था माफी भाई माफी दे दे चलिए हंगरी इसका करेक्ट आंसर बनेगा हंगरी की कैपिटल क्या है बुदापेस्ट हो जाएगी और जो बुदा है ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से डेनोब रिवर होते हुए जाती है अगला सवाल सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी वाली सिंपल सी बात है क्रिप्टो करेंसी की जब बात आएगी ना तो सबसे पहला कौन सा आएगा बिटकॉइन आएगा अभी मैंने आपको बताया अगला सवाल कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया था सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाली कंट्री कौन सी हो जाएगी एल सेल्वाडोर लेकिन उसके बाद में अगर आप देखो तो क्यूबा जो है वो भी इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रही है अगला सवाल ब्रिक्स का जो एनडीबी बैंक है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है इसका अगर आपसे पूछा जाए या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोल लो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये आपको शंघाई के अंदर मिलेगा ब्रिक्स की जो बैठक है वो भी आपने हाल ही में देखी थी इसको कंडक्ट किया गया था कहाँ पे इंडिया ने इसको होस्ट किया था अगर तुमसे पूछा जाए कि क्वाड की सबसे पहली मीटिंग कायदे से सुनना क्वाड की सबसे पहली मीटिंग जहां पे सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी लोगों ने पार्टिसिपेट का मतलब है सभी लोग वहां पे गए थे और वहां प्रेजेंट थे तो वो वाली जो है वो बैठक अभी आयोजित करेगी और ये कहां पे हुई न्यूयॉर्क के अंदर इसको कंडक्ट किया गया ठीक है अगला सवाल कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स के साथ में कब जोड़ा गया है तो 2010 में इसको जोड़ा गया है और अगर कहा जाए कि ये जो ब्रिक्स शब्द है ये किसने दिया तो जिम ओ नील के द्वारा शब्द को दिया गया ये सवाल अभी पेपर में पूछा गया था ठीक है अगला सवाल एस सी ओ का हेडक्वार्टर कहां पे शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो बात है ये कहां हो जाएगा बीजिंग के अंदर अभी हाल ही में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है कहां पे दुशानबे के अंदर कहां हुआ है दुशानबे अगला एस सी ओ की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम है पीस मिशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जरा कायदे से सुनिएगा अभी रिसेंटली बोला गया था कि जो चाइना है इन्होंने अपनी एक थीम लॉन्च करी है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर ये किस चीज़ के लिए था तो बीजिंग के अंदर 2022 में जो विंटर गेम्स आयोजित किए जाएंगे उसके लिए ये थीम बनाई गई है और मैंने आपको बताया था कि बीजिंग पूरी कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला ऐसा शहर होने जा रहा है जहां पे समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स दोनों को कंडक्ट किया गया ठीक है ये कसम से बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अगले पेपर में तुम्हारे ये सवाल छपने वाला है और तुम देख ही रहे हो आजकल हम जो बोल रहे हैं वो चीज हो भी रही है राइट तो प्लीज थोड़ा संभल के अगला ब्रिक्स के सबसे पहले अध्यक्ष अगर पूछे जाएं एनडीबी बैंक के तो क्या हो जाएंगे केवी कामत जी हैं नाम इनका इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स जो है 2022 में कहां पर इसको होस्ट किया जाएगा तो चाइना ही इसको होस्ट करने वाला है ठीक है आइए जरा दूसरी वाली न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है किसके बारे में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में अच्छा क्या हुआ इन्होंने, क्या किया? इन्होंने ये किया है इन्होंने जो सिल्क होता है ना सिल्क उसका एक सेंटर खोला है तो आइए जरा बात करते हैं कहाँ पे देखो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको हम यहाँ पे के वी आई सी के नाम से जानते हैं पेपर के अंदर सवाल आया था देखे थे ऐ देखे थे? ए विशाली उल्टी वाली है मुझे मत भेज दिया बड़ी चिड़मी है इस वाले से है ना चलो अच्छा तो यहाँ पे अभी इन्होंने क्या किया है एक हिस्टोरिक स्टेप उठाया है और जो टसर वाला सिल्क होता है सिल्क की अलग अलग वेराइटीज होती हैं सिल्क में अगर आप देखोगे तो म्यूगा सिल्क जो होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है लेकिन इसके अलावा जो टसर सिल्क होता है इसके लिए एक पूरा सेंटर खोला गया है जहाँ पे क्या किया जाएगा इस सिल्क को डेवलप किया जाएगा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कौन से वाले स्टेट के अंदर खोला गया है मुझे स्टेट का नाम जानना है पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटर है ये कौन से स्टेट के अंदर ओपन किया गया तुम लोग बताओगे हमें बताना पड़ेगा आंसर बनेगा ओरिशा अब कायदे से सुनना <coughs> क्या लिखा है कर्नाटका पूरी दुनिया के अंदर कायदे से सुनिएगा पूरी दुनिया के अंदर वो कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो कंट्री कौन सी हो जाएगी दैट इज कर्नाटका यानी कि सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर वन पे आता है कर्नाटका अगर आपसे कहा जाए कि जो म्यूगा सिल्क है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा स्टेट में पाया जाता है तो आप आंसर करोगे आसाम और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है अब जरा बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में देखिए ओडिशा के अंदर सबसे पहला ये सेंटर खोला जा रहा है अच्छा क्यों खोला जाएगा क्या इसका रीजन है वो हम जान लेते हैं ठीक है देखिए आपको ये चीज पता है कि जब हम सिल्क की बात करते हैं या फिर जब हम सिल्क की स्टडी के बारे में बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं इसको हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं इंपॉर्टेंट एस्ट्रिक मार्क मारिएगा दूसरा पॉइंट खादी एंड विलेज के द्वारा बोला गया है कि जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ओडिशा के अंदर महिलाओं को इन महिलाओं को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए निहारिका बहुत बढ़िया इन महिलाओं को सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए या फिर इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया है इन्होंने कहा है कि अब हम एक ऐसा सेंटर खोलेंगे जहां पे सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता हो ठीक है के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर ओडिशा में खोला कहाँ पे गया है कटक के अंदर इसको ओपन किया गया है कहाँ पे कटक के अंदर अभी जो कटक है ये कौन सी नदी के किनारे पर है महानदी के किनारे पर है और आप जानते हैं कि कटक के अंदर आपको एक चीज़ का हेडक्वार्टर मिलता है और वो क्या हो जाएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ किसका राइस का किसका राइस का मेरा सवाल इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका राइस का सेंटर कहां पे मिलता है तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जल्दी से बताइएगा ठीक है अगले पॉइंट पे आ जाओ अब ये तो बात हो गई कि ठीक ये सारा का सारा ओपन किया जा रहा है बट कर कौन रहा है के वी आई सी कर रहा है ना अब के वी आई सी के बारे में भी तो थो थोड़ा सा जान लो तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके चेयरपर्सन कौन है इसके चेयरपर्सन है विनाई कुमार सक्सेना नाम इंपॉर्टेंट है याद रखेगा क्या नाम है विनाई कुमार सक्सेना और ये जो के वी आई सी बनाया गया था इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था अब ये जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं ये कब आता है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इसको बनाया जाता है ये वही के वी आई सी है जिसने प्राकृत पेंट्स को बनाया था और प्राकृत फिलीपीन्स इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया गोल्डन राइस आए ओए प्राकृत पेंट्स जो डेवलप किए गए थे ये भी के ने डेवलप किए थे जिसके एम्बेसडर कौन हो जाएंगे कुछ याद आ रहा है एम्बेसडर हो जाएंगे नितिन गडकरी जी और ये ध्यान रखिएगा टपू वेरी गुड ये ध्यान रखना कि जो के होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है एस्ट्रिक मार्क लगा के बहुत प्यार से लिख लीजिएगा अगर आपसे इसके लिए मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो एम एस एम ई मिनिस्ट्री आ जाएगी और ये एम एस एम जो मिनिस्ट्री है किसके पास में कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के बताओ अच्छा युवा प्रम ओरिशा हाँ चल अच्छा आ जाइए जरा बात करते हैं इसके बारे में ओरिसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जान लेते हैं जिसकी वजह से ओरिसा भी न्यूज में चल था ठीक है वेरी नाइस nice. सत्यांशु चुंकी सौम्या शिवांगी वेरी गुड देखो जब हम ओरिसा की बात करेंगे तो ओरिसा के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कटक की लोकेशन है वहां पे कौन सी रिवर है महानदी है अब कल पेपर था ओरिसा का क्या लाजवाब सवाल आए अभी आगे दिखाते तुमको आज है पेपर है तीन चार सवाल मैंने लिए हैं उसके देखो इसके अलावा ओरिसा में अगर आप देखो तो इसका जो कोस्ट है इसे हम क्या कहते हैं उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें इंपॉर्टेंट है यहाँ के जो सीएम है वो कौन है नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो गणेशी लाल जी हो जाएंगे आज क्या हो सकता है चक्रवात टकरा सकता है तो अभी बात करेंगे उसके बारे में 45 राइस भी आएगा बिल्कुल ठीक है क्या बताया तुम लोगों ने किरण रिजिजू जी हैं है hey, भगवान उठा ले मेरे को मिनिस्ट्री अभी भी नितिन गडकरी जी के पास में है कि नहीं है जल्दी बताओ किरण रिजिजू जी के पास में है? सोच लो अभी भी कंफ्यूज है पीयूष गोयल एक काम से बीच में आ गए है चलो सोचो सोचो बताओ देखो सवाल सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर स्मार्ट हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया गया था बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंदर आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल कितने लोगों को कवर किया जाएगा आशीष निशी ओके okay. इसका आंसर हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव करोड़ यहां पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है ना नारायण तनु राजवंशी वेरी गुड आंसर क्या होगा नारायण तनु नाम याद रखिएगा पता नहीं कौन कौन सी मिनिस्ट्री और किसके किसके साथ में जोड़े दे रहे हो यही होता है जब आधे दिन रिवीजन नहीं करते हो अगला गोपा बंधु योजना जो है वो भी कहा कि ये भी योजना ओरिसा की है और आपसे कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसके अंदर किसको इंक्लूड कर दिया गया तो जो जर्नलिस्ट है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया अगला मेस जूनियर हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित करी जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा इसको भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया जाएगा और ये लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ था लास्ट टाइम इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया था अगला सवाल ओरिसा जो है वो हॉकी को अगले कितने सालों के लिए स्पॉन्सर करेगा तो ओरिसा यहाँ पे इसको टोटल दस सालों के लिए स्पॉन्सर करेगा अच्छा एक चीज अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आई जो है आई को बहुत सारी लाइक बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो यहां पे स्पॉन्सर कर रहे हैं इवन अनकेडमी ऑल्सो लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ा स्पॉन्सर आई का इस टाइम पर कौन है जरा कमेंट बॉक्स में छापो पता तो चले कि तुम लोग आई देखते हो तो आई के साथ में ज्ञान भी बटोरते हो कि नहीं बटोरते हो अगला कलिंगा स्टेडियम कहां पर है ओडिशा के अंदर है और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेडियम बना हुआ है इसके अंदर जो इंडोर का पार्ट है वहां पे दो खिलाड़ियों के नाम पे नाम रखे जाएंगे पहला नाम हो जाएगा प्रमोद जी का जिनका नाम बैडमिंटन से जुड़ा है पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और दूसरा नाम है द्विती चंद दुति चंद जो है ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है जिनको छत्तीसगढ़ के अंदर एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और अवार्ड का नाम क्या था वीरिनी अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट नेम ठीक है वीवो वीवो करेक्ट कुनाल इट्स बायस वीवो तो स्पॉन्सर कर रहा है नो no डाउट लेकिन जब आपने वहां पे देखा होगा कि मैक्स ऑफ द टाइम आपको ऊपर बाय ज्यूज नजर आ रहा है पता है क्यों क्योंकि आईसीसी ने बाय ज्यूज के साथ में तीन साल के लिए टाइप किया हुआ है खा मत जाइए इसको अगला कहा जा रहा है कि ओरिशा के अंदर अभी एक नई वेरायटी हल्दी की लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या हो जाएगा केसरी हल्दी ठीक ये कहां पे आया है अभी ओडिशा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर फेस्टिवल कौन सा होता है यहाँ पे तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये फेस्टिवल का नाम क्या हो जाएगा नखाई फेस्टिवल इज द राइट नेम ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है अगला कोविड के टाइम पे जो वॉरियर्स थे यानी कि डॉक्टर्स हो गए या फिर बाकी सफाई कर्मचारी हो गए इन सब के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा सवाल में कहा जा रहा है उसका नाम क्या रखा जा रहा है कोविड मेमोरियल या फिर कोविड वॉर मेमोरियल अगला सवाल ओडिशा के जो सीएम है यानी कि नवीन पटनायक जी इन्होंने अभी हाल ही में जितनी भी लेबर एम्प्लॉयज हैं इनके लिए एक योजना को लॉन्च किया था और जिसका नाम क्या हो जाएगा परिश्रम पोर्टल क्या हो जाएगा परिश्रम पोर्टल. हाँ आज डिजिटल हेल्थ कार्ड भी लॉन्च होगा आज सत्ताईस तारीख है बिल्कुल सही तुम बोले हो गरिमा योजना ये कहाँ की है ये भी ओडिशा की है लेकिन अगर मैं कहूँ गरिमा गृह तो ये कहाँ की हो जाएगी ये गुजरात की होगी इसके अंदर क्या होगा जिससे भी स्केवेंजर्स होते हैं या आप कह लो कि जैसे कि आ, कोई सीवेज वगैरह क्लीन कराना है या कोई गटर वगैरह क्लीन कराना है तो उनको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ना स्केवेंजर्स हैं ये लोग तो उनके लिए यहाँ पे इस योजना को लॉन्च किया गया 2023 में मेंस हॉकी का आयोजन कहां पर होगा ये भी ओरिशा ही क्या करेगा कंडक्ट करेगा तो ओरिसा बीजू पटनायक ये सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है बहुत बढ़िया मिष्ट वेरी गुड चलो अच्छा सवाल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि के वी आई सी जो है दूसरा पॉइंट ये मिनिस्ट्री ऑफ एम के अंदर आता है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आता है बिल्कुल करेक्ट लिखा है दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चले अगली न्यूज पे चलते हैं गौरव सना करेक्ट है देखो भैया पहले तो ये बताओ वेस्ट बंगाल वालों कल का पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख के बताओ ये देखिए क्या हो रहा है बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 वाला उसकी गोल्डन जुबली है तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं देखिये सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव जो मनाया जा रहा है छब्बीस तारीख से लेके उन्तीस सितंबर के बीच में ये कौन से शहर में मनाया जा रहा है आप इसका आंसर करो तब तक जरा बाकी बातें बता लेते हैं सुनिएगा कोलकाता की जरा हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कोलकाता विल बी द राइट आंसर अच्छा अब सुनो कोलकाता कोलकाता इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये हुगली नदी के किनारे पर है और आप जानते हैं कि सबसे पहली जो मेट्रो चलाई गई थी वो भी यहीं पे चलाई गई थी अगर अंडर वाटर मेट्रो पूछी जाएगी तो अंडर वाटर मेट्रो भी यहीं पर चलाई गई थी नेक्स्ट पॉइंट बोट लाइब्रेरी अगर तुमसे पूछा जाता है क्या पूछा जाता है बोट लाइब्रेरी तो बोट लाइब्रेरी याद रखिएगा वो भी यहीं पर लॉन्च करी गई है दुर्गापुर दुर्गापुर के अंदर क्या हुआ सबसे बड़ा सोलर ट्री यहां पे लगाया गया है जो कि आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है आप आप सोच रहे होंगे मैम रुकी क्यों क्योंकि हमारे क्लास में एक बहुत ही ज्ञानी महापुरुष आए हैं जिन्होंने कहा है कि मैम सिल्क जो है 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 ना वो वो का नाम धन्य धन्य प्रभु प्रभु आप आप अब तक ही आप? तो वो हैं जिसको तालिबान ढूंढ रही थी पता नहीं कहाँ चले गए थे आप खैर कोई बात नहीं प्लीज उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आई थिंक वो आपको बेटर यहाँ पे ज्ञान दे पाएंगे चलिए तो आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है तो पहला पॉइंट 26 से ले 29 सितंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कहाँ पे किया जा रहा है कोलकाता के अंदर किया जा रहा है अब ये हो क्यों हो रहा है क्योंकि 50 साल या फिर आप कह लो कि यहाँ पे गोल्डन जुबली मनाई जा रही है इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था नाइनटीन में किसके लिए ईस्ट पाकिस्तान के लिए किसके लिए ईस्ट पाकिस्तान के थोड़ा ध्यान दीजिएगा ईस्ट पाकिस्तान यानी कि ये क्या हो जाएगा बांग्लादेश के लिए यहां पर ये जो वॉर हुई थी ये आपको देखने को मिलती है ठीक है अब जब ये युद्ध हुआ था तो ये जो युद्ध किया गया था इसको यहां पे इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि ये क्या हो जाएगा स्वर्णिम विजय ध्यान से सुनिएगा स्वर्णिम विजय वर्ष के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है चलो बहुत अच्छी बात है तो ये जो यहां पे याद करके सेलिब्रेशन किया जा रहा है तो ये जो लड़ाई थी ये जो युद्ध था ये कब स्टार्ट होता है तो तीन दिसंबर थर्ड ऑफ दिसंबर को 1971 को ये को स्टार्ट होता है और ये जो पूरे फोर्सेस होते हैं पाकिस्तान के ये कब यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर करने का जो समय होता है वो टाइम पीरियड क्या है सिक्सटीन ऑफ दिसंबर 1971 सवाल अभी हाल ही में एस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा अब ये वो टाइम पीरियड है जब क्या होता है जब यहाँ पे पाकिस्तान की जो सेना है वो अपना समर्पण कर देती है करना ही था पता नहीं काय को इतना हीरो बन रहे थे लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये याद रखिएगा जो जनरल थे जिन्होंने यहाँ पे समर्पण किया था उनका नाम आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है उनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आमिर अब्दुल्ला क्या नाम है आमिर अब्दुल्ला इन्होंने अपना सरेंडर किया था भारत की आर्मी के सामने और बांग्लादेश की जो आर्मी थी उस टाइम पे कौन सी मुक्ति वाहिनी सी मुक्ति वाहिनी इन दोनों के सामने इन्होंने अपना समर्पण किया था यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और यह ध्यान रखिएगा इसके बाद में होता है शिमला एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट कब होता है तो 2 अगस्त 1972 में शिमला एग्रीमेंट किया जाता है जिसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी आर्मी वालों को इंडिया अरेस्ट करती है उन सबको रिहा करने के लिए बोल दिया जाता है और ये जो शिमला एग्रीमेंट साइन होता है ये किसके किसके बीच में होता है टाइम देखो क्या है 1972, तो इसका मतलब क्या हो गया इंदिरा गांधी और इनके साथ में कौन हो जाएंगी पाकिस्तान के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था जुल्फिकार भुट्टो क्या नाम था जुल्फिकार भुट्टो इन्होंने यहाँ पे इसको साइन किया था शेख हसीना जी बिल्कुल सही बात है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आइए जरा चलते हैं कहाँ पे बांग्लादेश की तरफ आपको लेके चलते हैं पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बांग्लादेश से वो ये है अभी हाल ही में एस डी अवार्ड इनको दिया गया है किसको शेख हसीना जी को है ना जिन्होंने सेवेंटी जो वो भेजे थे ना मज़ा ही आ गया दूसरा पॉइंट ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा दिन मनाया जाता है फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ ट्वेंटी सिक्स को कौन सा दिन मनाया जाता है बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करता है ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च को और इस बार इंडिया का जो यहाँ पे आपने देखा था ना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था तो उस टाइम पे कौन सी कंट्री इंडिया के अंदर आके पार्टिसिपेट करी थी तो वो कंट्री भी कौन सी हो जाएगी बांग्लादेश हो जाएगी ये सवाल आपके पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ठीक है आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं पहला सवाल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है तो सिंपल इसका आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इसके बाद में गुजरात राजस्थान एंड पंजाब ये वो हो जाएंगे जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में शेयर होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं क्योंकि वो अंकल आए थे ना वो टूटी हुई स्केल लेके दूसरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर है जो बाउंड्री लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी थ्री थ्री टू थ्री किलोमीटर्स की लेंथ आपको देखने को मिलेगी अगला सवाल कहा जा रहा है कि ये बताओ राजस्थान का जो बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान के साथ में इसकी टोटल लेंथ कितनी है तो ये हो जाएगी वन अच्छा एक चीज और आपको ध्यान है फेनी रिवर के बारे में मैंने आपको शायद परसों पढ़ाया था फेनी रिवर के बारे में फेनी नदी जो है ये विवादित नदी थी हुआ करती थी किसके किसके बीच में बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में लेकिन अब इसके ऊपर कोई भी आपको विवाद देखने को नहीं मिलता है तो फिर मैम कौन सी वाली ऐसी नदी है जिसके ऊपर विवाद है तो वो रिवर हो जाएगी तीस्ता रिवर क्योंकि ये जो रिवर है ना ये वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है बस इसी का लेके अभी तक विवाद चल रहा है तो तीस्ता नदी के बारे में ध्यान रखिएगा अगला सुनिएगा कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है और जब कारगिल वाला जो युद्ध हुआ था जो वॉर हुई थी उस टाइम पे पीएम कौन थे तो आंसर क्या हो जाएगा नवाज शरीफ थे और आप जानते हैं यहाँ पे ऑपरेशन विजय आपको याद होगा राइट दूसरा देखिएगा कौन सा वाला ऐसा यहाँ पे स्टेट है या, या यूनियन टेरिटरी है जिसका सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर होता है मेहरबानी करके जो इसका आंसर है वो आप जब गूगल करेंगे ना तो आपको जम्मू कश्मीर लिखा हुआ मिलेगा पहले ही बता दिया मेरे पास स्क्रीन शॉट लेके मत आइएगा क्योंकि नए वाले मैप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लद्दाख इसका करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है अगला सवाल इन दिस वॉटर डिस्प्यूट यानी कि जो ये सिंधु नदी है इसके जो जल है यानी कि इसका जो पानी है इसको लेके विवाद किसके किसके बीच में है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है और इसके लिए एक ट्रीटी साइन करी गई थी कब 1960 में ये जो ट्रीटी साइन होती है इसको साइन कराता कौन है तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको साइन कराया जाता है अगर आपसे पूछा जाए सिंधु यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोली जा रही है तो ये लद्दाख के अंदर खोली जाएगी लद्दाख के अंदर अभी हाल ही में फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसके अंदर सबसे पहली जो मूवी थी वो कौन थी सी सी थी थी समझ गए ना शेरशाह कौन सी शेरशाह विल बी द राइट आंसर राइट चल अच्छा इतनी बातें हो गई ये देखो एक और हमारा इंडियन एयरफोर्सेज आता हुआ अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा अच्छा लगता है एयर शो देखना देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है राइट अब वॉट अबाउट यू गाइस सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर मारो फटाफट से हिमांशु बाबू करेक्ट है गौरी आ, 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 क्या डिजिटल कार्ड लॉन्च हो रहा है इसलिए नहीं भैया भारत बंद इसलिए नहीं है भारत बंद जो है वो किसानों के द्वारा आज बंद किया जा रहा है डिजिटल कार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है आ जाइए भैया इंडिया का एयरफोर्स और ये कर रहा है एक एरो शो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं देखिए सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा एक एयर शो चल रहा है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन श्रीनगर के अंदर किया जा रहा है अच्छा ये तो चलो मैम समझ में आ गया श्रीनगर के अंदर हो रहा है बट इसके अंदर हो क्या रहा है ये देखो दिख रहा है ना मजा आ रहा है ना आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में ये देखो लाजवाब बिल्कुल शानदार अपूर्वा अपूर्व चलो हमारे क्लास के अंदर नरेंद्र मोदी भी आए हैं नाम लिखा हुआ है कैसे कैसे नाम रखते हो सुनिएगा सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो एयर शो कंडक्ट किया जा रहा है ये कहां पर हो रहा है तो ये श्रीनगर के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है पहला पॉइंट तो ये हो गया ये वाला जो एयर शो हो रहा है इसके अंदर चिनूक भी पार्टिसिपेट कर रहा है मिक ट्वेंटी वन भी पार्टिसिपेट कर रहा है इवन सुखोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये सारे जो हमारे इंडियन एयरफोर्स की आन बान और शान है ये सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन इसी के साथ में हमारे इंडिया का एक स्काई डाइविंग ग्रुप भी है स्काई डाइविंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया जो क्या करेगा कर्तव्य दिखाता है आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है तो इसका नाम क्या है इसका नाम है आकाश गंगा ये भी पार्टिसिपेट किया और इसने भी खूब ही गजब गजब कर्तव्य दिखाए और जब ये खत्म हुआ तो पता है क्या बनाया इन्होंने तब आखिरी में इन्होंने हार्ट शेप की फॉर्मेशन करी किसने यहाँ पे किसने आकाश गंगा वाला ये जो ग्रुप था इस ग्रुप ने ठीक है लेकिन हमारे पेपर के अंदर देखो क्या पॉइंट आएगा हमारे पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि ये जो आयोजन किया जा रहा है ये कितने सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया जा रहा है तो चौदह सालों के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है जहां पे आपको डल लेक देखने को मिलती है उसके पास में ही इसको कंडक्ट किया जा रहा है इसकी एक थीम भी रखी गई है थीम क्या है गिव विंग्स टू योर ड्रीम आप कहेंगे है मैम ऐसी थीम क्यों रखी गई है Give wings to your dream. अरे भैया ये थीम रखने का इसका रीजन है इनका रीजन ये है कि जितना भी ऐसा यूथ है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है जो गलत रास्ते पे चला गया है उनको मोटिवेट करने के लिए थीम रखी गई है ताकि वो भी समझें कि हमारी जो इंडियन आर्मी है हमारे जो फोर्सेज हैं हमारी जो नेवी है वो आपके ही बारे में सोचती है और उनके अंदर एक मोटिवेशन जगेगा और मोटिवेशन के बाद में उनकी भी इच्छा होगी कि वो हमारी इंडियन आर्मी या नेवी या फिर एयरफोर्स को ज्वाइन करें तो इसके लिए यहां पर इस थीम को रखा गया है इंपॉर्टेंट

अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि अर्जुन टैंक जो है इनको डेवलप किया जाएगा सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने अर्जुन टैंक डेवलप किए जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे वन वन एट अर्जुन टैंक डेवलप किए जाएंगे दूसरा अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है इसका कौन सा वाला एडिशन कंडक्ट किया गया है तो पहली चीज तो ये ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट किया गया कौन सा वाला ये एडिशन हो जाएगा तो एडिशन तुम लोग बताओगे हम बताएंगे ये थर्ड एडिशन है ठीक है अगला सवाल फिफ्टींथ एडिशन अभी हाल ही में इंडिया का कंडक्ट किया गया है एक्सरसाइज सूर्य किरण तो किसके साथ में हो जाएगी इंडिया और नेपाल के बीच में इसका आयोजन किया गया कहां पर पिथौरागढ़ के अंदर क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि ये बताओ कौन सा वाला कंट्री हो जाएगा तो कंट्री कौन सा है नेपाल हो जाएगा अगला एशिया का सबसे बड़ा एरो शो जो होता है इसका आयोजन कहां पे किया गया था तो इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया था और सबसे पहली बार 1996 में इसका आयोजन किया गया अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन से वाले एयरबेस पे किया गया कायदे से लिखना क्योंकि पेपर के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस कौन सा है आप आंसर करेंगे यह लंका एयरबेस प्रदीप आए क्लास में बस यही वो एयरबेस है जो क्या है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस है अभी कुछ टाइम पहले ही राजनाथ सिंह जी ने इसको इनोग्रेट किया था ठीक है एयर चीफ मार्शल अभी हाल ही में नए वाले कौन बन गए हैं तो इनका नाम हो जाएगा विवेक राम कौन चौधरी जी ये कब से अपॉइंट हो जाएंगे तीस सितंबर से ये अपनी कुर्सी को संभाल लेंगे किसकी जगह पे आर के भदौरिया जी की जगह पर अगला देखो क्या पूछा जा रहा है अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसके डायरेक्टर जनरल का कार्यभार किसको दे दिया गया है किसको दिया गया यह कार्यभार तो यहां पे एक नया नाम आपको याद रखना है वी एस पठानिया जी को किसको वी एस पठानिया जी को इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क मारना ठीक है करेक्ट है बिल्कुल सही है थर्टींथ वाला हुआ था अगला इंडिया की सबसे पहली न्यूक्लियर मिसाइल जो क्या कर सकती, किसी भी शिप को कर सकती है और यह विशाखापट्टनम के अंदर अभी हाली में दी है। सवाल में कहा जा रहा है राष्ट्रपति हैं यानी कि है, रामनाथ कोविंद जी इन्होंने अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर अवॉर्ड दिए थे आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इन अवार्ड्स का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे गोवा के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो है ये हमारे देश के अंदर डिफेंस फोर्सेस को दिए जाते हैं और अगर मैं आपसे कहूं नाइटेंगे किसको दिए जाते हैं तो ये प्रेसिडेंट ही देंगे लेकिन नर्सिस को ये दिए जाते हैं ठीक है दिव्या गिरीश प्रधान प्रधाना वेरी गुड केदार गुड शिवानी गुड ओके okay, अगला सुनिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसको बनाया कब गया था तो देखो इसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ फेब 1977 में शुरू होता है और 1978 में इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है अगर पूछा जाए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ था चेक पोस्ट किसके नाम पे? आ गई विद्या बालन कहाँ गया है क्लास के अंदर कि भाग गया विद्या बालन के नाम पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है और अब इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है अगर आपसे पूछा जाए आर्मी डे कब मनाया जाता है पंद्रह जनवरी को इसके बाद में एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है तो ये हो जाएगा आठ अक्टूबर को और अगर आपसे कहा जाए कि नेवी डे कब मनाते हैं तो चार दिसंबर को मनाया जाता है तो ये सारे के सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे ठीक है चलिए अच्छा अब इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ सवाल में कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो जो है कौन सी वाली 2022 वाली गुजरात के अंदर होगी आई डोंट नो दूसरा लिखा हुआ है कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है विजय रूपानी जी के द्वारा किया गया थोड़ा सा फोकस करना विजय रूपानी द सीएम ऑफ गुजरात लेकिन सीएम ऑफ गुजरात तो नए हो गए मैम भूपेंद्र पटेल जी हो गए तो फिर ये अनाउंसमेंट क्यों करेंगे इसका करेक्ट आंसर है बोध स्टेटमेंट ना करेक्ट क्योंकि जब ये सीएम थे ये इनका आखिरी अनाउंसमेंट था पता नहीं क्या गुना हो गया था इनसे तो ये ध्यान रखेगा यही इनका आखिरी अनाउंसमेंट था ठीक है ये देखो पहले सेशन को एक बार इसे शेयर मारो यार मतलब यहाँ पे तुमको मजा आने वाला है जीआई टैग दिए गए अच्छा मैम जीआई टैग जो दिए जाते हैं मज़ा तो बहुत आता है लेकिन मैम ये बताइए कि जो जीआई टैग दिए गए हैं इन जीआई टैग में अब ये नए नए कौन से वाले जीआई टैग हैं पहले तो तुम कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिख के बताओ कि जो जी टैग होते हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इंटरनेशनल लेवल पर ये किसके द्वारा दिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है डब्लू का नाम जब आप डब्लू की बात करोगे तो डब्ल्यू टी ओ है जिनेवा के अंदर है इसके अंदर एक ग्रुप आता है और उस ग्रुप का नाम क्या है उस ग्रुप का नाम है ट्रिप्स और ट्रिप्स के द्वारा ये जो जी टैग है ये दिया जाता है अच्छा मैम तो फिर हमारे इंडिया के अंदर कैसे दिया जाता है इसका भी कोई प्रोसेस है तो ये जानिएगा इंडिया के अंदर जो जी टैग दिए जाते हैं इसको रजिस्टर किया जाता है कहाँ पे चेन्नई के अंदर और वहां से जी टैग दिए जाते हैं अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर तुमसे पूछा जाए जी टैग इसके लिए कानून कब बनता है तो ये कानून कब बनेगा 1999 में कानून आएगा लागू कब होगा 2003 में लागू होगा अब तुमसे कहा जा रहा है डल्ले खुरसानी इसको जीआई टैग कौन से वाले स्टेट के अंदर दिया गया इसका करेक्ट आंसर बनेगा सिक्किम के अंदर दिया गया आसाम लिखा हुआ है आसाम के अंदर तेजपुर लीची याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बनेगा पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है अब आ जाओ जानते हैं कि जीआई टैग किसको किसको मिला है पहला अदरक को मिला है बिना अदरक के काम तो चलता नहीं है चाय में जब तक अदरक ना हो मजा तो आता नहीं है तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अदरक को जीआई टैग मिला है कहां पे मिजोरम के अंदर ठीक है दूसरा खीरा मतलब वेट लूज करना है तो आपको खीरा खाना पड़ेगा क्योंकि जब तक तो खीरा नहीं खाओगे तब तो तक वेट लूज होगा नहीं तो खीरे को यानी कि कुकुम्बर को जी टैग मिला है नागालैंड के अंदर और तीसरा है डल्ली खुरसानी वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था मोमोज़ वाली चटनी याद आई तुमको ये जो चेरी वाली होती है या फिर रेड चेरी पेपर जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं खुरसानी चिली के नाम से जानते हैं इसको जीआई टैग तो बहुत पहले ही मिल गया था सिक्किम के अंदर लेकिन अब इसको जीआई टैग वेस्ट बंगाल के अंदर भी मिल गया भाई साहब आइए जरा पूरी कहानी जानते हैं कि पूरी स्टोरी है क्या समझिएगा सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है जिंजर को मिला है मिजोरम के अंदर कुम्बर को मिला है नागालैंड के अंदर और तीसरा क्या हो जाएगा रेड चिली पेपर जिसको कहा जाता है डेले खुर्सानी ये सिक्किम के अंदर पहले ही मिल चुका था अब ये वेस्ट बंगाल के अंदर मिल चुका है मैम बस इतनी सी कहानी थी अरे इतनी सी कहानी कैसे थी जो जीआई टैग मिलता है वो दस सालों के लिए दिया जाता है और इसके लिए आपको क्या कराना होता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कहाँ चेन्नई के अंदर जाके बहुत अच्छी बात है मैम ये मेहंदी क्यों लगी हुई है यहाँ पर अभी तो रक्षाबंधन चला गया है सुनो एक और जीआई टैग मिला है अरे मैं क्या करूं भाई राजस्थान कल रीड का पेपर गजबी पेपर आया था ग्रुप पे शेयर किया था नहीं देखा है तो देख लीजिएगा सुनिएगा राजस्थान के अंदर एक मेहंदी है इसको भी जीआई टैग मिला है अच्छा मेहंदी का नाम क्या हो जाएगा तो मेहंदी का जो नाम है वो है सोजात मेहंदी ये जो मेहंदी है ये इसलिए यहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है राजस्थान के अंदर क्योंकि पहली चीज तो ये कैसी है हर्बल है हर्बल का मतलब होता है कि मतलब ये जब लगाई जाएगी तो कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं सेकेंडली इसका मेडिसिनल यूज भी होता है तो भाई मारो राजस्थान मतलब हम सबका जो राजस्थान है यहाँ पे ये जो सौजात मेहंदी है इसको जीआई टैग मिल चुका है मेहरबानी करके इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगाना तुमसे कोई जीआई टैग पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए तुमसे ये वाला जीआई टैग जरूर पूछा जाएगा इंडिया के अंदर सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 से 2005 के बीच में एस्ट्रिक मार्क इसके ऊपर मार लीजिएगा ठीक है आ जाओ जरा बात करते हैं फिर अब बताओ हाँ पॉइंट पे आते हैं पॉइंट यहाँ पे ये यह है कि आपके सामने बहुत सारे नाम आने जा रहे हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट के हैं ऑल सेट रेडी सब, के साथ? आ जाओ जरा बात करते हैं सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो कर्नाटका के पास है बिल्कुल सही देखो बोबली वीना इसको जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर दिया गया है अगला क्या है म्यूगा जो कि आसाम के अंदर बेस्ट क्वालिटी का है तो ऑब्वियस सी बात है आसाम को जीआई टैग मिलेगा अगला क्या है इंदू मिशमी टेक्सटाइल इसको जीआई टैग कहाँ पे मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको जीआई टैग मिला हुआ है नेक्स्ट पे आते हैं क्या सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ये क्या है ये ग्रास होता है आपसे कहा जा रहा है कि इसको जीआई टैग कहाँ मिला है तो बिहार के अंदर आपको ध्यान होगा जलदारू मैंगो ये जो था या फिर आप कह लो शाही लीची इन दोनों को जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है तो शाही लीची के लिए भी क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा अगला कोला चिल्ली ये जो मिर्ची है इस मिर्ची को जीआई टैग कहाँ मिला हुआ है गोवा के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया है ठीक है अगला सुनिएगा चंबा रुमाल ये जो चंबा रुमाल है इसमें चंबा लिखा हुआ है चंबा से आपको पता है चंबा नाम की जगह कहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर है तो हिमाचल प्रदेश हो गया अगला किनाल टॉयज ये जो टॉयज होते हैं ना इसके लिए कहाँ पे मिला हुआ है तो ये कर्नाटका के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है ठीक है ये सारे के सारे जी आई जो है वो आपको क्या करने रट्टा मार के रखने पेपर में सवाल बनेगा अच्छा एक सवाल अभी हाल ही में क्या हुआ था आ, वेस्ट बंगाल के अंदर दो मिठाइयाँ थी जिनको जीआई टैग मिला था सुबह सुबह मेरा मन नहीं था कि मिठाइयों के बारे में बात करें लेकिन अब मैंने पूछ लिया है तो मुझे आंसर करके बताओ कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी दो मिठाइयाँ थी जिनको जी टैग मिला था अगले सवाल की तरफ चलेंगे भैया यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समर्पण प्रोग्राम सवाल में कहा जाएगा आपसे कि ये बताइए ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है

यूपी लिखा हुआ है है ना और यूपी से आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे तो यूपी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है बस ये ध्यान रखिएगा कि डिफेंस एक्सपो पिछला वाला यूपी लखनऊ के अंदर और जो मैंने आपको बताया था मेन्स हॉकी जूनियर वाला वो भी लखनऊ के अंदर ही हुआ था दोनों के दोनों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे आइए जरा बात करते हैं कि हुआ क्या ये देखिए हरियाणा के अंदर कुछ चीज़ें लॉन्च करी गई हैं कल की तारीख में तो पहले तो ये ध्यान रखो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर जो है ये किसका हैप्पी वाला बर्थडे था ये हैप्पी वाला बर्थडे डे था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हैप्पी वाला बर्थडे था चलो ठीक है अभी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे ये थे कौन तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और इनका जो जन्म होता है वो नाइनटीन सिक्सटीन में होता है कहाँ पर होता है मथुरा के अंदर इनका जन्म होता है बहुत अच्छी बात है लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था भारतीय जनसंघ आज के टाइम पे देख रहे हो ना बस वही है क्या है भारतीय जनसंघ को यहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया था तो इसी के चलते हरियाणा ने कहा कि हम हैप्पी वाला बर्थडे मना रहे हैं तो कुछ लॉन्च वॉन्च तो करेंगे ना तो हरियाणा के सीएम यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला कि हम कुछ चीजें लॉन्च करने जा रहे हैं ठीक है पहला इन्होंने लॉन्च किया हुनर ऐप एस्ट्रिक मार्क मारिएगा कि हुनर ऐप अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर लॉन्च किया गया तो ये जो हुनर ऐप है ये लॉन्च किया गया हरियाणा के अंदर इसमें क्या होगा इसके अंदर हरियाणा का जितना भी यूथ है उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी यानी कि उनको काम दिया जाएगा बहुत अच्छी बात है तालियां बजा दो सेकेंड पॉइंट हरियाणा वही स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट के जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसको रिजर्व करके रखा हुआ है और अब तक तीन ऐसे राज्य हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा किया है आंध्र प्रदेश हरियाणा एंड झारखंड जिसमें से आपको एक ये देखने को मिल रहा है ठीक है इसी के साथ में इन्होंने लॉन्च किया क्या यहाँ पे समर्पण पोर्टल अगर आपसे पूछा जाए समर्पण पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है वो इसलिए लॉन्च किया गया है कि अगर जैसे कि हमारे क्लास के अंदर मान लो बबिता है ठीक है अब हमारे क्लास में जो बबिता है ये पढ़ चुकी है इसने अभी रिसेंटली अपना पीजी कंप्लीट किया है अब ये चाहती है कि सोसाइटी का वेलफेयर करे यानी कि सोसाइटी के लिए काम करे तो ये क्या सोचेगी कहेगी लाओ यार कोई एनजीओ एनजीओ खोल लेते हैं पैसा तो मेरे पास में है ही पैसा लगाने की दिक्कत नहीं है तो ये जो बबिता है अब ये क्या कर सकती है ये जो समर्पण वाला पोर्टल लॉन्च किया गया है ये एक वॉल्टियर पोर्टल है अगर कोई भी हरियाणा के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के साथ में मिलके सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहता है तो वो इसके अंदर जाके ज्वाइन कर सकता है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है तो एक तरफ है हुनर ऐप जिसके अंदर जॉब दिया जाएगा दूसरी तरफ है यहाँ पे समर्पण पोर्टल जिस पे अगर आप क्या करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में मिलके सोसाइटी वेलफेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे लॉन्च किए गए आइए आगे चलते हैं हरियाणा हाँ जी सुनिएगा सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट सीटें रिजर्व ठीक है दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में जो रामसर साइट्स हैं उसके अंदर दो साइट्स जो हैं वो यहां हरियाणा से ही जोड़ी गई हैं, जिसमें से एक का नाम हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा ये आपका बनेगा विंद वासा क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीसरा पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे भी हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए हैं जिनका नाम है बंदारू दत्तात्रेय ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी चंडीगढ़ इसकी कैपिटल रहेगी इसको बनाया कब गया था तो फर्स्ट ऑफ नवंबर 1966 में इसको बनाया जाता है अगला सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि ये जो हरियाणा है राइट हरियाणा के अंदर कौन सा वाला डांस फॉर्म है तो यहाँ पे आपको धमाल नाम का डांस फॉर्म देखने को मिलेगा और खोरिया नाम का डांस फॉर्म देखने को मिलेगा कल का पेपर देखने के बाद जिसका जिसका दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ है वो थोड़ा खतरे में आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में सबसे पहले आई रखवाली ये किसने लॉन्च किया था पंजाब सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था दिस इज इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा अगला ई किसान धन ऐप ये एच बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया और एच बैंक कहां पर है मुंबई के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी अगला सुनिएगा सेल्फ स्कैन ऐप ये कहां पे लॉन्च हुआ तो ये ममता बैनर्जी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसके अंदर बोला था भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा भी अपने हाथ चलो ठीक है ये ध्यान रखना कि जब हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पे ड्यूरेंट कप अभी चल रहा है इंपॉर्टेंट है भूल मत मज इसका वन एडिशन यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है अगला सवाल ई संपदा ये लॉन्च किया था भारत सरकार ने किस चीज के लिए भाई संपदा है तो ऑब्वियसली बात है हमारी संपदा क्या है रियल इस्टेट रियल इस्टेट का मतलब क्या हो गया प्रॉपर्टी लैंड यही सब अगला है हरित पथ ये लॉन्च किया गया था किस चीज के लिए ग्रीन हाईवे हाई को डेवलप करेंगे अगला मानस ऐप मानस ऐप जो है ये लॉन्च किया गया था मेंटल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए जैसे कि क्या होता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, है ना इ सचिवालय भी हरियाणा के अंदर है बिल्कुल सही है कुछ लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो जाता है तो उनको यहाँ पे रिलीफ के लिए मानस ऐप को लॉन्च किया गया था और आज क्या लॉन्च होने जा रहा है डिजिटल हेल्थ कार्ड आज से लॉन्च होने जा रहे हैं भैया नजरें बना के रखिएगा और इसके बारे में जो जो ज्ञान की बातें आज आएंगी सारी की सारी कल हम लोग पढ़ेंगे बट आज तुम देखते रहना इस चीज को ठीक है अगला सुनिएगा मेरा राशन मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा ऑब्वियस बात है ये लॉन्च किया जाएगा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा रूफ ऐप रूफ ऐप किसने लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर में क्या था इसमें जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी फोटो क्लिक करके रखी जाएगी अगला क्या है आपदा प्रहारी एप आप. ये कहाँ पे लॉन्च किया गया यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया अगला है फास्टर कुछ याद आया सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है ताकि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को अब हम ऑनलाइन मोड पे रखेंगे और इजीली हम ट्रैक कर पाएंगे आर्टिकल नंबर 129 के अंदर इसको लॉन्च किया गया ठीक है अगला सुपेस याद आया ये भी किसका है ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है प्लीज ये सारे के सारे ऐप आप आपके पेपर के अंदर छपेंगे याद रखना है ठीक है आइए चलते हैं और और इस सवालों प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अगर आप पूरी या फिर ऐसे कोस्टल एरियाज पर रहते हैं तो प्लीज स्पेशली टेक केयर आइए बात करते हैं देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कब बनाया गया था आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है तो इसको बनाया गया था 1875 में अब सुनिएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अलग अलग जगह पर आपको सेंटर्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसका जो सब पेपर तुम्हारा सच में इजी था चलो सही है ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कहाँ पे ये है दिल्ली के अंदर इसका मेन सेंटर लेकिन इसकी बहुत सारी जगह पे ब्रांचेस बनी हुई हैं तो क्या हुआ ओरिसा जो स्टेट है वहां पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सेंटर बना हुआ है वो भुवनेश्वर के अंदर बना हुआ है इन्होंने कहा है येलो अलर्ट जारी किया है अब ये येलो अलर्ट रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट ये क्या होता है आइए जरा बात करते हैं ये देखिए बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहां पर आपको चक्रवात देखने को मिलेगा दैट मीन्स ये हो गया हमारा प्यारा भारत इधर वाला जो एरिया यहाँ पे होनी चाहिए यार मैं चाहिए, हाँ ये देखो ये आपको एरिया नजर आ रहा होगा अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज वॉट बे ऑफ बंगाल का एरिया है। अब ये जो साइक्लोन होता है ये क्यों बनता है आप जानते हैं कि चक्रवात तभी बनता है जब किसी जगह पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाए और उसके आसपास के एरिया का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए तो क्या बनेगा साइक्लोन बनता है अब ये जो चक्रवात बना है इसको अभी येलो कैटेगरी में रखा गया है क्यों क्योंकि अभी जो इसकी स्पीड है ना ये फिफ्टी किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रहा है मैक्स टू मैक्स कितना चल रहा है फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है लेकिन बोला यह जा रहा है कि हो सकता है आज या कल सुबह तक ये क्या हो जाएगा टकरा जाएगा बिल्कुल करेक्ट दीप्ति ये जब टकराएगा तो टकराने के टाइम पर इसी साइक्लोन को रख दिया जाएगा रेड जोन में अभी किस में अभी येल्लो में है क्योंकि अभी काफी दूर है धीरे धीरे जब ये पास में आएगा तो इसको बोल दिया जाएगा ऑरेंज जोन है और जब ये टकराने वाला होगा तो कह देंगे भैया ये रेड जोन है ठीक है ये जो चक्रवात आ रहा है इस चक्रवात का नाम क्या है नाम ऐसा दिए और काम करते हैं खतरनाक गुलाब और ये नाम दिया गया है किसके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा नाम देखो कितनी कितनी मोहब्बत से नाम दिया है शायद इनको भी पता होगा कि शेख हसीना जी जो है वो आने वाले समय में टोटल सेवेंटी वन फ्लॉर्स जो है वो यहाँ पे भेजने वाली हैं वो भी किसके गुलाब के हो सकता है यही सोच के पाकिस्तान को पहले से इस बात की आ, पूरी इंफॉर्मेशन होगी इसीलिए इन्होंने उन्होंने ये काम कर दिया आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं जहां पे साइक्लोन बनता है करेक्ट है करेक्ट इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिनेवा के अंदर आपको मिलेगा ठीक है अब सवाल ये आता है यहीं पे समझ लेते हैं कि ये कहां कहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये हो गया उत्कल कोस्ट यानी कि ओडिशा वाला एरिया और इसके नीचे देखोगे तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एरिया जिसके कोस्ट को हम नॉर्दर्न सिरकास के नाम से जानते हैं इन दोनों एरिया पे ये स्ट्राइक करेगा लेकिन ये ध्यान रखना अगर आते आते इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है जैसे कि पिछले वाले साइक्लोन का हुआ था तो ये वेस्ट बंगाल को भी हिट कर सकता है अभी वेस्ट बंगाल रेड जोन के अंदर नहीं है लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्टेट जो है ये रेड जोन के अंदर आ जाएंगे ठीक है आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे कुछ सवालों की और देखते हैं सवाल यहाँ से और कौन कौन से हैं नेशनल फ्लड कमीशन जो है भारत के अंदर इसको कब किया गया था तो 1980 में बनाया गया था क्या आप मुझे ये बताओगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है बहुत ज्यादा बाढ़ आती है वहां पर एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था फ्लडिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्या वो हमारे देश का सबसे पहला सिस्टम था जिसको डेवलप किया गया था हाँ या ना जल्दी से बताओ दूसरा नेशनल पॉलिसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था तो ये 2009 में अप्रूव किया गया था अगला सुनिएगा वायु ये ये क्या है साइक्लोन का नाम है और ये जो साइक्लोन था ये गुजरात के अंदर आया था दो में आया था नाम देख के आप समझ गए होंगे कि ये नाम किसने दिया था भारत के द्वारा दिया गया था अगला तो ये नाम किसने दिया था म्यांमार के द्वारा दिया गया था और ये जो साइक्लोन था म्यंमार ने जो नाम दिया था इसका इंग्लिश मीनिंग क्या था हमिंग यानी कि आवाज करने वाली क्या छिपकली ठीक है अगला यस पक्का अरे नो नहीं करना है यस करना है जी हां ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने ऐसा कोई सिस्टम जो है वो डेवलप किया है तो आसाम इज द फर्स्ट वन ठीक है यस साइक्लोन अरे ये तो तुम सबको पता होगा ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया उमान के द्वारा ये नाम अभी हाल ही में दिया गया था अगला निसारगा ये नाम किसने दिया था तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट है शाहीन ये नाम देख के आप समझ लिए हो गे? है ना क्या हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया और पाकिस्तान की जो मिसाइल है उस मिसाइल का नाम भी आपको शाहीन के नाम से ही देखने को मिलेगा सुलेखा जैन बहुत बढ़िया अगला सुनो निवार ये नाम किसने दिया था तो ये नाम ईरान के द्वारा दिया गया था अगले पे सुनिएगा आर 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 अः भाई साहब आके चला गया तो ऐसन बोल रहे हो कि आके अभी खत्म नहीं हुआ है अभी यूपी में तो बारिश ही नहीं हुई अभी आना उसका पूरी तरीके से बाकी है ठीक है आके चला गया आईसन कर रहा है जैसे कि इनको इनविटेशन दिया था खाना खाने का सुनो कल के पेपर के अंदर ओरिशा से कुछ सवाल पूछे गए थे आइए बात करते हैं ओरिशा का हाईएस्ट पीक कौन सा है कल के पेपर में सवाल पूछा गया था तो यहाँ पे देखो सिंपल था आपको ये ऑप्शन ये ऑप्शन तो उड़ा देना था आपके पास में बचे थे दो ऑप्शन पहला था महेंद्र गिरी और दूसरा कौन सा था देवमाली आप आंसर क्या मार करते हैं देवमाली अगर आपसे पूछा जाता कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो कि ओरिशा के अंदर लोकेटेड है तो आप आंसर क्या करते उस कंडीशन पे आप आंसर करते महेंद्रगिरी महेंद्र गिरी ठीक है अगला सुनिएगा बरे पानी वाटरफॉल ये कौन से नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में लोकेटेड है हलवा टाइप का सवाल था देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे कोई लेना देना नहीं इससे कोई लेना देना नहीं हमने न्यूज में सिर्फ दो ही सुने थे पहला सुना था शिमली पाल दूसरा सुना था भीतरकनिका अब भीतरकनिका के पास में तो कोई वाटरफॉल था नहीं इसको भी आउट मारो बचा क्या शिमली पाल विल बी द करेक्ट आंसर खत्म कहानी खत्म है अगला सुनामी अब मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है सुनामी के बारे में सुनामी इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सुनामी जो है वो किसकी वजह से होता है देखो हरिके अर्थक्विक टोर्नेडो या थंडर अब आप ये चीज जानते हो कि जो हरिकेन होता है हरिकेन का मतलब क्या होता है चक्रवात होता है सवाल में सुनामी पूछा गया था तो इसका आंसर क्या होगा अर्थक्विक इज द राइट आंसर क्यों क्योंकि जब समुद्र के अंदर भूकंप का इपी सेंटर बनता है तो उसी को तो हम सुनामी कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अर्थक्विक विल बी द राइट आंसर समझ गया हो चलो अच्छा आगे चलते हैं क्लास में सौभाग्य आए है ना बड़ी खुशी से भी चिल्ला के बोला था आके चला गया अब तुम्हारे नाम की योजना चार साल पूरे हो गए बात कर लेते हैं इनके बारे में सुनिएगा सौभाग्य योजना जो है इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2017 में यानी कि 25 सितंबर 2017 में इस योजना को लॉन्च किया गया था भैया क्यों लॉन्च किया गया था वही पुरानी कहानी दीनदयाल उपाध्याय जी का हैप्पी वाला बर्थडे था और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे ही आपको कांडला पोर्ट का नया नाम मिलता है जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। सवाल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कोलकाता पोर्ट है उसका नया नाम क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के बताओ और अब जरा बात करते हैं यहाँ पे कि योजना के अंदर होता क्या देखिएगा समझना ये जो सौभाग्य योजना है ना इसका एक पूरा नाम है पूरा नाम क्या है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या नाम है सहज बिजली इसका मतलब क्या हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेगा तो इस पर्टिकुलर स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का जो एम है वो ये है कि, कि किसी भी गांव के अंदर जितने भी घर हैं हर घर के अंदर क्या होना चाहिए बिजली की सुविधाएं होनी चाहिए जैसे कि हम कहते हैं ग्राम विकास योजना तो अब इसके अंदर क्या हो गया हर एक व्यक्ति के पास में घर की सुविधा होनी चाहिए उसी तरीके से हर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था दैट मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2017 को जो कि दीनदयाल जी का हैप्पी वाला बर्थडे था चलो ठीक है अब पूरी दुनिया का कायदे से सुनना कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे पूरी श्यामा प्रसाद बिल्कुल करेक्ट है सुनिएगा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रीफाइंग वाली योजना है वो यही है जैसे कि आपसे कहा जाता है ना कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आप कहते हो आयुष्मान भारत ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम ऐसी कौन सी है जो कि इलेक्ट्रीफिकेशन के बारे में बात करती है हर घर के अंदर बिजली देने की बात करती है सौरभ घोष नीरज बहुत बढ़िया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सौभाग्य योजना इसको चार साल पूरे हो गए ओहो हो तो कितने घरों में बिजली पहुंचा दी है ऐसा हम नहीं कह रहे ऐसा यहाँ पे इसके अंदर बताया गया कितने घर हो गए 2.82 करोड़ हाउसेज हैं मार्च 2021 तक ये वो फिगर है जिसके अंदर घरों के अंदर इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है यानी कि वहां पे क्या दिया गया है एलई बल्ब प्रोवाइड किए गए और हर घर के अंदर मोबाइल चार्जिंग के लिए एक स्विच बोर्ड होना अनिवार्य है क्या चीज अनिवार्य है यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है पहला एलईडी बल्ब दिया जाएगा दूसरा मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए एक स्विच बोर्ड भी दिया जाएगा अब बताओ कैसी लगी तुम लोगों को ये योजना कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ लेकिन इस योजना का अंत यही नहीं होता है क्योंकि जब 25 तारीख को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है तो यहाँ पे एक चीज और भी सेलिब्रेट करी गई है वो क्या है फर्स्ट नेशनल कॉपोरेशन कॉन्फ्रेंस आप कहोगे मैम ये क्या है मुगल सराय रेलवे स्टेशन हाँ हाँ एग्जैक्टली उसका नाम भी है सुनिएगा हमारे प्यारे भारत के अंदर सबसे पहली बार नेशनल कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर आप कहेंगे मैम अब ये क्यों हुआ ये भी इसीलिए किया गया है क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी का हैप्पी वाला बर्थडे था और यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग यहाँ पे मिलजुल के काम करेंगे तो क्या होगा समृद्धि होगी यानी कि इसकी जो थीम दी गई है वो क्या है सहकार्य से समृद्धि क्या है सहकार्य से समृद्धि ये जो पर्टिकुलर टैगलाइन है वो इसकी दी गई है और ये ध्यान रखना दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है लेकिन इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे हाँ हाँ

अगला उड़े देश का आम नागरिक यानी कि जितनी भी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहां जहाँ पर जहां जहां पर फ्लाइट की सुविधाएं नहीं थी वहां पे भी अब क्या होगा फ्लाइट की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी ये कब लॉन्च किया गया 2017 में नहीं बल्कि 2016 में लॉन्च इसको किया गया था सत्रह में तो इम्प्लीमेंट हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका एम क्या है मैं ना बता रही तुम बताओ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला सबसे पहला स्टेट कर्नाटका दूसरा स्टेट कौन सा हो जाएगा एमपी और इसका टैगलाइन क्या था इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर तुमको बोला था ना इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे तो वो यही वाला है ठीक है अगला सुनिएगा कहां जा रहा है कि अभी हाल ही में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपीस का एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था आत्मनिर्भर भारत कब लॉन्च किया गया था मई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था अगला सुनिएगा मिशन कर्मयोगी ये किस लिए लॉन्च किया गया था देखो ये लॉन्च किया गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए यानी कि सिविल सर्वेंट्स किस तरीके से अपनी सर्विसेज को और बेटर तरीके से दे सकते हैं उसके लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया था अमित शाह जी के द्वारा ठीक है अगला सुनिएगा जल शक्ति मिशन यानी कि हर घर के अंदर स्वच्छ पानी की सुविधाएं पहुंचाने का जो टारगेट है वो टारगेट क्या रखा गया है 2024 रखा गया है और इसके अंदर भारत का सबसे पहला जो राज्य आया है दैट इज व्हाट गोवा अगला प्रधानमंत्री यानी कि क्या जन औषधि परियोजना ये कब लॉन्च होती है 2008 में लॉन्च करी जाती है है ना खुशी तो देखो इसकी हा? अगला सुनिएगा डीप ओशन मिशन कब लॉन्च किया गया 2018 में ये किसके लिए काम करेगा इंडियन ओशियन के लिए हिंद महासागर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा और अगला कहा जा रहा है ब्लू इकोनॉमी 2010 में दी गई थी इसको किसके द्वारा दिया गया था तो गांड पॉली के द्वारा दिया गया था इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो भी ओशियन है उसके अंदर जो भी रिसोर्सेस पाए जाते हैं या फिर वहां पे जो भी पाए जाएंगे, क्रूड ऑयल पाया जाएगा, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन ठीक है? आइए जरा चलते हैं अगली वाली न्यूज की तरफ और फिर चलेंगे हम लोग कहां पे अरे भैया अभी खतरनाक न्यूज तो बाकी है सुनो कमला भाषण जी वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा इससे ज्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला है ठीक है मोदी जी इनको एक मोबाइल दे देते चलो सुनो एक फीमेल एक्टिविस्ट जिनका नाम था कमला भाषिन इनकी डेथ हो गई है तो आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं कमला भाषिन जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे प्यारे भारत से बिलोंग करती हैं तो आइए जरा इनके बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट जो आपके पेपर में पूछे नहीं जाएंगे जी हाँ जो सवाल बनेगा वो एक लाइन का आएगा वो ये आएगा कमला जी जो थी ये कौन सी वाली एनजीओ को चलाती थी सवाल बस इतना आएगा इससे ज्यादा कुछ ना आएगा अब जरा सुनिएगा ये जितने लोगों का गुड मॉर्निंग अभी हो रहा है ना रुक जाओ आज तुम लोग सुनिएगा कमला जी की अगर हम बात करें तो ये 75 फाइव ईयर्स की थी इनको कैंसर हो गया था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई इन्होंने यूएन के अंदर भी काम किया हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है इनका एक एन था जिसका नाम क्या था संगत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगाइएगा इनका एक एनजीओ था और ये जो एनजीओ आयुषी बहुत सही ये संगत नाम का एनजीओ था इसके अंदर क्या होता था कि जितने भी विमेंस वगैरह थी उनको यहाँ पे एक तरीके से एम्पावर करना उनकी सुरक्षा करना यह सारा काम जो था वो सारा का सारा काम इनके द्वारा किया जाता था ठीक है बहुत अच्छी बात है दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखिएगा कि इनको एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था वो अवार्ड कौन सा था लाडली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा था लाडली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो सकता है कि पेपर के अंदर तुमसे गलती से ये सवाल पूछ लिया जाए कि लाडली अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया आप आंसर कर देंगे कमला हासन जी को अवार्ड दिया गया चलो ठीक है लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि क्या इन्होंने यूएन के अंदर भी काम किया है जी हाँ पूरे पूरे साउथ एशिया के अंदर विमेन एम्पावरमेंट का काम किया हुआ है सबसे बड़ी बात यह है क्या है इन्होंने पूरी के पूरी साउथ एशिया के अंदर विमेन एम्पावरमेंट का काम किया गया है जो कि आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अब आइए जरा कुछ के बारे में बात करते हैं देखिए आईसीसी के अंदर सबसे पहली मैच रेफरी जिनको अपॉइंट किया गया तो इनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा तुम लोग बताओगे चलो हम ही बता देते हैं जी एस लक्ष्मी जी को अपॉइंट किया गया था एंड ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा था अगला एटलांटिक ओशियन को सोलो पार करने वाली वो भी किसकी सहायता से एयरक्राफ्ट की सहायता से उनका नाम क्या हो जाएगा इनका नाम रहेगा आरोही पंडित ये वो वाली आरोही नहीं है है ना अच्छा तुम्हारे पे भी है है चलो सही है। ंगल अवार्ड है अभी किसको दिया गया था अरे वो घी वाली जो आंटी थी ना कहाँ से गुजरात से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनका नाम आप बताएंगे मैं नहीं बताऊंगी दूसरा पॉइंट सुनिए आयुष अभी पिट जाओगे चलो यार ये देखो यार ये सब नहीं अच्छा लगता है मतलब किसी को कहीं पे भी ले जाके जोड़े मैम ये वही है ना अरे ये वही अगर होती तो हम तुमको बता देते काय की दिक्कत है सुनो अगला पूछा जा रहा है फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड फॉर मेराइन कंजर्वेशन इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया तो दिव्या किसको कानाथ जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया क्या नाम था पूरा नाम बताओ उनका भानुमती नीलिमा बहुत बढ़िया अगला सुनिएगा इंडिया की सबसे पहली ऐसी फीमेल गोल्फर जिन्होंने क्या किया था अभी ओलंपिक्स के अंदर वो फोर्थ नंबर पे रही थी और जो यूरोपियन टूर पे भी गई हुई थी इनका नाम क्या था अदिति अशोक इनके नाम के ऊपर तो तुम बेटा एस्ट्रिक मार्क लगा ही लो अगला सुनिएगा सबसे पहली ऐसी फीमेल जो कि एमपीटी की कैटेगरी के अंदर आती थी जिन्होंने माउंट विंसिफ के ऊपर फतेह हासिल करी है ये कौन हो जाएंगी अरुणिमा सिन्हा एमप्यूटी के लिए सबसे पहला सेंटर कहाँ पे बना हुआ है तो ये चंडीगढ़ के अंदर डेवलप किया गया है अगला सुनते हैं सबसे पहली फीमेल ऑफिसर जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स के अंदर क्या किया भैया फ्लाइट फ्लाइट उड़ाई अभी ये मेरे को बताना पड़ेगा अंजलि गुप्ता इज द राइट आंसर अगला सवाल यहां पे बनेगा फर्स्ट लोकसभा स्पीकर तो आंसर हो जाएगा मीरा कुमार दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट थे आ जाओ भैया चलें टूरिज्म डे अच्छा अब आप लोग बताओ कि आप लोग कौन से शहर को घूमना चाहते हो पता तो चले कम से कम तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे सवाल में कहा जा रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है तो 27 सितंबर को ये मनाया जाता है कल है 28 सितंबर आज है 27 सितंबर वाह 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 आ जाओ जाने तो वर्ल्ड टूरिज्म डे से पूछा क्या जाएगा सिंपल एक लाइन का सवाल क्या थीम बता दो भाई तो यहाँ पे आइए जान लेते हैं इनके बारे में पहला पॉइंट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पे इसको बनाया कब गया था 1980 में इसको बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेड्रिड के अंदर है और मेड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है वर्ल्ड टूरिज्म डे इसलिए सेलिब्रेट चलिए किया जाता है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके इस बार की जो थीम रखी गई है वो क्या है समावेशी विकास के लिए पर्यटन क्या है समावेशी विकास के लिए पर्यटन क्या मतलब हुआ मैम टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या हो जाएगा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ये इस बार की थीम रखी गई है मैम पेपर में बस इतना ही आना ना जी हाँ बस इतना आएगा ठीक और कुछ ना आने वाला अब बताओ यहाँ से <laughs> बिल्कुल सही सुनिएगा आप तुम सब के तो वही है लखनऊ ही घूमना आके सुनो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये आपको मेड्रिड के अंदर देखने को मिलेगा जहां पे कॉप ट्वेंटी फाइव का आयोजन भी किया गया था अगला सुनिएगा अगला कहा जा रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 में कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा प्यारा भारत जिसने इसको होस्ट किया था था 2020 में तो हुआ ही नहीं कोविड की वजह से ठीक है अगला सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसको अभी हाल ही में रामसर साइड के अंदर जोड़ा गया है और ये कहाँ पर लोकेटेड है ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है अगला सवाल भिंदवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी रामसर साइड के अंदर जोड़ा गया है और ये भी कहाँ पर है हरियाणा के अंदर ही इसकी लोकेशन मिलेगी अगर तुमसे सुकना लेक पूछी जाएगी तो सुकना लेक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है अगला थोल लेक ये कहाँ पर है बताना पड़ेगा या बता लोगे ये गुजरात के अंदर है गुजरात में ध्यान रखिएगा आपको थोल लेक की लोकेशन देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट है अगला वेटलैंड ये कहाँ मिलेगा ये भी आपको गुजरात के अंदर ही मिलेगा और टोटल रामसर साइट्स इंडिया से कितनी हो चुकी हैं 46 हो चुकी हैं अगला ध्यान रखिएगा यूनेस्को के अंदर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में कौन सी वाली ऐसी साइट है जिसको एड ऑन किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तुम लोग बताओगे लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहां हम बता दें चलो बता देते हैं एक तो है धोलावीरा गुजरात दूसरा कौन सा है रामप्पा टेम्पल कहाँ तेलंगाना ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है और यूनेस्को की साइट टोटल कितनी हो गई चालीस हो गई है अगला सुनिएगा नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है तो पच्चीस जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसकी थीम क्या है क्या हो जाएगी देखो अपना देश क्या हो जाएगा देखो अपना देश और इसी नाम से आपकी इंडिया की मैपिंग शुरू हो जाएगी साढ़े चार बजे क्योंकि इस मैपिंग चल रही है ना वर्ल्ड खत्म होगा तो इंडिया स्टार्ट होगा इसका नाम यही रखने वाले हाँ जी आखिरी न्यूज आपकी आज की वो क्या है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप आई जरा इसके बारे में बात करते हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइनटीन सेवन अगस्त नाइनटीन को बनाया गया था सवाल 7th of August को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट एम्पायर बिल्कुल सही है सेवंथ ऑफ ऑगस्ट को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है अब जरा जानना कायदे से हुआ क्या देखो ये जो आर्चरी वाला पूरा का पूरा मैचेस चल रहे थे ये वर्ल्ड लेवल पर चल रहे थे कहां पर यंग टॉन यूएसए के अंदर इसका आयोजन हो रहा था ठीक वहां पे भारत की जो मिक्स टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और प्लेयर्स के नाम क्या है अभिषेक वर्मा एंड ज्योति सुलेखा आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आर्चरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इसको जीता है तो आंसर कर दो अभिषेक वर्मा एंड ज्योति सुलेखा ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक उस प्लेयर का नाम बताओ जो कि झारखंड रांची से बिलोंग करती हैं और आर्चरी तीरंदाजी के अंदर जिनका नाम हर कोई जानता है जेवलाइन डे होता है बिल्कुल सही आजा करके बताइए आशी प्लेयर का नाम जो कि रांची से बिलोंग करती है वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं आने वाला पहले ही बता दिया है तो ज्यादा यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चलो अच्छा अब आते हैं यहाँ पे कि कुछ स्पोर्ट्स हैं और ये स्पोर्ट्स कौन सी कंट्री के हैं आपको ये बताने ठीक है वेट लिफ्टिंग जो है वो कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा तो ये बुल्गेरिया का है फुटबॉल जो है वो कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा ये फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट है और फीफा जो है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो फुटबॉल है ये पांच बार जीता गया है किसके द्वारा ब्राजील के द्वारा दीपिका कुमार वेरी नाइस नेक्स्ट सुनिएगा क्रिकेट इज नेशनल गेम ऑफ क्रिकेट कहाँ का नेशनल गेम है तो ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम हो जाएगा कबड्डी ओहो ये तो हम सब जानते हैं वहां बांग्लादेश इसका आंसर बनेगा अगला आर्चरी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है तो आर्चरी हो जाएगा कहाँ का भूटान का इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगाना ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा ठीक है अगला सुनो वाटर पोलो किसका है पोलो नहीं वाटर पोलो पता चला तो कहेंगे मैं खुदबुद्दीन एवक जो थे कहीं वो वाटर पोलो तो नहीं खेल रहे थे नहीं नहीं वो पोलो ही खेल रहे थे इसका आंसर क्या होगा हंगरी का अभी न्यूज में था ना हंगरी इससे यहाँ पे पता होना चाहिए आपको रग्बी की बात करोगे तो रग्बी के जो मैचेस हैं दो में न्यूजीलैंड के अंदर होने तो अबैसे बात है न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा स्पोर्ट्स हो जाएगा ठीक है चलो तो यहां तक मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए हैं ये है आपका आज का होमवर्क अब आपसे मुलाकात करेंगे साढ़े दस बजे जहां पे आज पढ़ाया जाएगा गवर्नर टॉपिक करंट की न्यूज के साथ में आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो क्लास में तीस मिनट निकाल के समय पर आ जाइएगा अन अकेडमी पर वो क्लास आपका रहेगा होमवर्क कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर किया करो क्योंकि ये आपको बूस्टअप करने का काम करता है ठीक है तो ये था हमारा आज का सेशन इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा बट आई डोंट थिंक अब पीडीएफ की जरूरत पड़ती होगी अब तो नोट्स बन जाते होंगे है ना चलिए तो यहाँ सानिया मिर्जा बिल्कुल सही बात है सानिया मिर्जा ने कल एक कब जीता है पढ़ाएंगे बेटा कल पढ़ाएंगे पूरी न्यूज तो आज आने दिया करो ठीक है और ये अपडेशन तो मैं तुमको वैसे ही कर देती हूं ऐसे तो विराट कोहली जी है उन्होंने भी टेन थाउजेंड रन टी ट्वेंटी के अंदर पूरे कर लिए पहले भारतीय बन गए पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे सम पेशेंस आने तो दो न्यूज आने दो पूरी ओके इसके अलावा आज क्या हो गई है आज सत्ताईस तारीख हो गई है 29 से आपका नया बैच शुरू होने वाला है जिन बच्चों ने 15 सितंबर के बैच को ज्वाइन नहीं कर पाया था तो आपके लिए ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सितम्बर से नया जीएस मैथ इंग्लिश और रीजनिंग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है जहां पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिल ही जाएंगे ये ध्यान रखना कि अगर आप इसको सितम्बर में ही ज्वाइन करते हो तो एक साल का ज्वाइन करने पर सिक्स मंथ का एक्सटेंशन है और दो साल का ज्वाइन करने पर आपको एक साल का एक्सटेंशन मिलेगा नाग नागराज एन अरे बाब अरे ये हार्ट वाली इमोजी के साथ में गुस्से वाली इमोजी का क्या मतलब था निधि ओके okay. तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बैचेस हैं हैं ये आपके स्टार्ट होने जा रहे बैचेज से और ट्वेंटी क्या लॉन्च किया जा रहा है बैच दैट इज पॉलिटी तो अगर आप तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है एंड हर संडे को आपका टेस्ट होता है डोंट मिस इट तो चलिए मिलते हैं आपसे साढ़े दस बजे टिल देन एग्जैक्टली exactly. टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप रिवाइजिंग एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन मिलते हैं आपसे साढ़े दस बजे कहां पे ओनली ऑन अन अकेडमी और दो बजे का क्लास मत भूलिएगा सात दिन बचे हुए हैं एम टी एस के पेपर के लिए लास्ट मिनट आपका रिविजन क्लास के अंदर हो जाएगा और आप जानते हैं आगे की कहानी ठीक है चल